हेलो दोस्तों, मैं हूँ परी। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ जो कि है मेरा किचन सेट। तो चलते हैं मेरे किचन में। बहुत हंगरी है तो आज मैं इसके लिए नूडल्स, हॉट पोटैटोस और अ कप ऑफ टी बनाऊंगी। मेरी डॉल, तुम्हें नूडल्स पसंद है ना? हाँ, मुझे पसंद है। देखिए, हाँ कह रही है, मेरा भी नूडल्स बहुत फेवरेट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि किचन में क्या क्या बर्तन यूज होते हैं। तो सबसे पहले है स्पैचुला। देखिए, इसको कहते हैं स्पैचुला। और ये है करछी। और ये नाइफ। ये सिलेंडर जिसकी मदद से चूल्हा चलता है। और ये है मेरा गैस स्टोव जिसमें मैं और कभी कभी जब ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो मेरी डॉल मिलके इसमें खाना बनाते हैं। और ये है प्लेट्स। देखिए कितनी सारी प्लेट्स हैं। ये है प्लेट्स। ओके, ये थी मेरी प्लेट्स। और ये है वोक मिस कढ़ाई। और ये है पैंस। देखिए ये पैंस हैं। और अब मैं फ्राई पैन दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं फ्राई पैन। और अब मैं, ये है मेरे कप्स। ये एक और वोक आ गया है। देखिए वोक। और ये मेरा टीपॉट। और ये कप्स। और ये मिल्क। और ये है मेरे हॉट केस। तो अब हम नूडल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले वोक को हम गैस स्टोव में रख देते हैं और गैस स्टोव ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे, एक ग्लास। और अभी थोड़े इसको उबलने देते हैं। तब तक मैं अपनी डॉल के साथ बातें करती हूँ। डॉल, तुम्हें टी पसंद है कि कॉफी? मुझे ज्यादा टी पसंद है। सेम पिंच, मुझे भी ज्यादा टी पसंद है। हाँ, पर मुझे उससे भी ज्यादा मिल्क पसंद है। पर आज मुझे टी पीने का मूड है। ठीक है, ओके, मुझे भी मिल्क पसंद है। ओह, पानी गर्म हो गया। तो अभी हम थोड़े से नूडल्स डाल देते हैं इसमें। अब हम इसको स्पैचुला से घुमाते हैं। अगर आपका पानी कम हो जाए तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हो। मेरे को थोड़ा कम हो रहा है। ओके, मैंने डाल दिया जितना मुझे चाहिए था। इसको गर्म होने देते हैं। तो मैंने कैप्सिकम और कैरेट काट के रखे थे तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए, लगता है इसको कुछ ज्यादा ही भूख लग गई है। हमारे किचन में आ गई है ये। तो अब हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। चलो, हमने मसाले डाल दिए हैं। 2 मिनट तक हम
इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। तब तक मैं किचन की थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ क्योंकि क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्लीनिंग हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, वरना अगर किसी को हो गई बीमारी बीमारी तो इस टाइम पे बीमारी बहुत खतरनाक है, तो इसलिए क्लीनिंग बना के रखिए। मैगी की अच्छी सी खुशबू आ रही है, देखते हैं बनी या नहीं। वाओ, ये बन गई, कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी लग रही है, दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है। तो तब तक मैं प्लेट निकाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। मैं इसको डाल देती हूँ अभी। ये मैगी बन चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। टड्डू, तुम तब तक ये खाओ। तो अब मैं अपनी डॉल के लिए बनाऊंगी हॉट पोटैटोस। तो मैंने आलू उबाल के रखे हैं, तो अब मैं इनको कट करूंगी, वो भी नाइफ से। ओके, इसको रख देती हूँ। तब तक मैं तेल गरम होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गरम हो जाए, हाँ इतना ऑयल सही रहेगा। तो हम इसको तब तक कट करते हैं, इसके पील्स कट करते हैं। तो ये हमारे पोटैटोस कट चुके हैं। अरे वाह, तेल भी गर्म हो गया है, तो अब हम पोटैटोस को कर दे इसमें डाल देते हैं। तो हम इस स्ट्रेनर को इसको हिला देते हैं, वरना हो जाएगा, एक तरफ से जल जाएगा, तो होगा नहीं, ठीक से बन नहीं पाएगा हमारा हॉट पोटैटोस। तो हम इसको हिलाते रहते हैं। तो हमारे पोटैटोस उबल चुके हैं, बन चुके हैं, तो अब इनको मैं प्लेट में रखती हूँ। ओहो, ये तो बहुत गर्म है, चलो कपड़ा यूज करती हूँ। हाँ, तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता देती हूँ स्ट्रेनर किस काम का होता है। स्ट्रेनर उस काम का होता है, देखिए, अगर मैं सपोज कढ़ाई यूज कर लेती, करछी मीन्स करछी यूज कर लेती, तो इसका तेल पूरा साथ में आ जाता और फिर अच्छा नहीं होता, फिर तेल तेल कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाता, इसलिए हम स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। वाओ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, वाओ, लगते बहुत टेस्टी बन रखे हैं। ये कढ़ाई बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल सकता है, तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ, अपने रैक में रख देती हूँ और गैस स्टोव भी बंद कर देती हूँ। तब देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो देखिए कितना क्रंची लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है। तो चलो मैं अपनी डॉल का भी इसको टेस्ट करवाती हूँ। डॉल खाओ, अरे वाह, कितना टेस्टी लग रहा है मेरे को। अब मैं भी एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, देखिए कितना क्रंची, कितना टेस्टी है।
तो ये बनके तैयार हो गया है, तो अभी मैं इसको थोड़ा रख देती हूँ क्योंकि अभी हम एक कप अ कप ऑफ टी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कैटल लेंगे, ओके। इसमें कितनी आ रहा, इसमें सही है। अब गैस स्टोव ऑन कर लेते हैं, हो गया। हम अब डालते हैं, हम एक ग्लास वाटर डालेंगे, जितना आपको चाहिए उतना ही डालेंगे, जितना हमको चाहिए। जैसे कि एक आदमी के लिए बना रहे हैं तो आधा भी डाल सकते हैं, ओके। डाल दिया है वाटर, अब थोड़ा इसको उबल। अब हम एक मिनट तक पानी गर्म होने देते हैं। तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो हम इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। डल गया है। अगर मैंने चाय पत्ती डाल दी है तो मैं आधा मिनट तक चाय पत्ती को पानी के साथ उबलने दूंगी। ये उबल रही है, तो अब मैं थोड़ा शुगर डाल देती हूँ इसमें। मैंने इसमें शुगर डाल दिया है, तो मैं मिल्क तैयार रखती हूँ क्योंकि एक मिनट के बाद मैं इसमें मिल्क डालूंगी। हाँ, अभी थोड़ा सा सेकेंड्स मिनट्स और चाहिए। उबल गया। अब मैं इसमें मिल्क डालती हूँ थोड़ा सा। हाँ, मैंने मिल्क डाल दिया है, अब थोड़ा सा उबलने देती हूँ, फिर हमारी चाय तैयार। जब तक एक कप निकाल देती हूँ अपनी गुड़िया के लिए। यस, सही है। अब उबल गया है, हम गैस स्टोव बंद कर देते हैं। हमने गैस स्टोव बंद कर दिया है, तो अब हम इसको थोड़ा अभी इसमें हम थोड़ा चाय डाल देते हैं। अब फाइनली नूडल्स बन गए हैं, हॉट पोटैटोज बन गए हैं और अ कप ऑफ टी बन चुकी है। तो अब हम मेरी प्यारी सी डॉल को ये सब सर्व करेंगे। इसमें मैं पियूंगी टी और इसमें मेरी डॉल पिएगी। डॉल चलो, मैं नूडल्स और हॉट पोटैटोस को सर्व करती हूँ। डॉल, नूडल्स और हॉट पोटैटोस बन गए हैं और टी भी। तो ये है नूडल्स और ये है हॉट पोटैटोस और ये है टी। तो डॉल आ जाओ। आपने मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए बना रखा। हाँ।